जिले के शासकीय और निजी स्कूल तथा कॉलेजों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रबंधन द्वारा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, विद्यार्थी की फीस, किताबों और ड्रेस खरीदने के संबंध में गंभीर शिकायतें मिली हैं। इन पर कंट्रोल करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आपको बता दें, आदेश में लिखा गया है कि विद्यार्थी के अभिभावकों को स्कूल अथवा अन्य शिक्षण संस्थान पुस्तकें, ड्रेस अथवा अन्य सामग्री खरीदने के लिए किसी विशेष दुकान से बाध्य नहीं कर सकेंगे। जिले के सभी अशासकीय स्कूल जो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल CBSE अथवा ICSE से संबंधित हैं, उन्हें यह आदेश पूरी तरह से लागू करना होगा। जारी आदेश के अनुसार सभी निजी स्कूल प्रबंधन सूचना पटल पर स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करें कि पुस्तकें, ड्रेस तथा अन्य सामग्री किसी विशेष दुकान से खरीदने की बाध्यता नहीं है। पुस्तकों के अतिरिक्त स्कूल द्वारा यूनिफॉर्म, जूते, कॉपियां आदि की बिक्री का प्रयास नहीं किया जाएगा। स्कूल की स्टेशनरी, ड्रेस तथा अन्य पठन पाठन सामग्री में स्कूल का नाम प्रिंट करवाकर दुकानों से क्रैक करके अथवा किसी एक विशेष दुकान से बिक्री कराना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने सभी SDM तथा जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश का कठोरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत मिलने पर विद्यालय प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी।